गाने देखने Yeah.
कारी से रंग मत मारो छयलवा, अरे भीजे ना हे रामा भीजे रंगीली चुनरिया हमार, आज चुनर मुरे भीजे ला। यहाँ पे पूरे जोश के साथ फगुआ का त्यौहार मनाया जा रहा है और ये एक सभ्यता और संस्कृति को दिखाते हुए इन्होंने इनके बोले तू बैठा उनके बोले था यहाँ पे जो मंडली बैठी हुई है वो फगुआ का त्यौहार मनाने के लिए, सभ्यता और संस्कृति को प्रमोट करने के लिए और हमारे युवाओं को बहुत बड़ा संदेश दे रही है। और एक संदेश मेरी तरफ से ये भी जा रहा है कि जो भोजपुरी गाने में होली को लेकर अश्लीलता फैलाई जा रही है, उन लोगों को इस मंच को देख कर ये सीखने की ज़रूरत है कि मौज लाने के लिए, आनंद लाने के लिए आपको शब्दों पर कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। चाचा क्या गा रहे थे आप शुरुआत में, कौन सा गाना वो, क्या था वो? समझ नहीं आ रहा था कुछ। दो ताला था वो। अच्छा। और वो मैंने जैसे मैंने फाग दो ताला उसको यही कहा जाता है। अच्छा। आजकल के जितने युवा यहाँ पे हैं उन लोगों को भी नहीं पता ये सारी चीजें। नहीं, कुछ लोगों को पता है कुछ लोगों को नहीं पता है। हाँ। तो क्या मानते हैं कि जो हमारे युवा है वो इस चीज में रुचि नहीं ले रहे हैं कि आप लोग इसको प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, युवा रुचि नहीं ले रहे हैं, प्रमोट तो हम लोग कर ही रहे हैं प्रयास जितना है, लेकिन युवा वर्ग रुचि नहीं ले रहा है ना। युवा लोग को हनी सिंह और यही सब लोग पसंद बस, बस और क्या नहीं तो भोजपुरी में पवन सिंह के सारी इन्हीं लोगों के गाने पसंद आते हैं। अच्छा, दोबारा जो गाए वो क्या था? वो उसको उलारा बोलते हैं। उलारा, वो तो समझ आ रहा था। हाँ, वो जो पहले जो आपने गाया वो कोई अलग भाषा थी कि हिंदी? नहीं नहीं, हिंदी ही था। हाँ। जाजा, लेकिन आप बहुत जोश में नजर आ रहे हैं। अरे, जो होली है तो जोश तो होना ही है। हाँ, क्या कह रहे हैं? फगुआ और फौदारी जोश से होती है। क्या? अच्छा, कभी भी गाते हैं इतना जोश है क्या होली का? नहीं नहीं, हमेशा बराबर, बिना जोश से फगुआ, बिना जोश के फगुआ होगा ही नहीं। नहीं, मैं इनसे ये पूछ रही हूँ कि होली का त्यौहार है इसलिए ज्यादा जोश है कि ऐसे हमेशा जोश? नहीं नहीं, होली का त्यौहार नहीं, फगुआ हमेशा जोश से ही होती है। अच्छा। हाँ, और क्या, ताकत और जोश दोनों लगती है। इतना गर्मी भी नहीं आ रहा है तो यहाँ पे जितने लोग हैं काफी आनंदित है और ये जरूरी भी है ना कि हमारे युवाओं को एक के बीच में आवश्यक है। ये हमारे जो है एक विरासत है, प्रयास यही करना चाहिए कि विरासत बची रहे। और क्या, तो यहाँ पे इस गांव की सजगता देखिए कि कम से कम संस्कृति को बचाने के लिए एक बहुत बेहतरीन पहल हो रही है।
अभी बात करेंगे और भी लोगों से, ये पूछेंगे कि क्यों आखिर इस पे काम किया जा रहा है। आजकल लोग होली और दिवाली में डीजे बजाना ज़्यादा पसंद करते हैं, खूब हाई स्पीड में डीजे बजा देंगे, चार गांव के लोग इकट्ठा हो जाएंगे और भैया लोग डांस कर लेते हैं, मन जाता बस है। नशा की प्रवृत्ति है लोगों की और क्या, नशे में ही डांस होती है। जैसे हमारी ये अभिमन्यु जी हैं लेकिन अभी तो आपने कोई नशा नहीं किया, लेकिन आप में जोश है। हाँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये लाइन तो नहीं ठीक बैठती है कि नशे में ही। हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है, लेकिन जो डांस होता है वो ऑलरेडी नशे में ही होता है, क्योंकि आजकल की युवा पीढ़ी बिना नशे के जी नहीं पा रही है। हाँ, हम रही लाल के आप पे आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं बिना नशा के आप में जोश ही नहीं आता। नहीं नहीं, हम ऑर्केस्ट्रा में रहते हैं ना, साड़ी पहन के भी नाच देते हैं। देखिए चाचा आपके बारे में, अरे गलत ना है, सही बात रही ला। हाँ, तो लोग आपको, लोग आप जितने लोगों के सामने आप ऐसे नाचते हैं, जो परंपरा थी लौंडा नाच, परंपरा थी कल्चर। हाँ, वो मैं जानती हूँ, उसका उदाहरण है ये। अच्छा, उसको जिंदा रखे हुए। तब चाचा कैसे करते हैं, कुछ दिखाइए दर्शकों को। जब जो लौंडा नाच में गाना अलग तरीके का गाना होता है वो गाइए। अरे छोड़ी हमारे, अरे थोड़ा दो लाइन गा दीजिए, हम नहीं गा पाए। उसके लिए अलग माहौल होता है, तब का ऐसे नहीं हो पाएगा। साज दूसरा है ना। हाँ, चलिए बातचीत निहारती बारी जमुना जी के तीर निहारती बार, अरे जल भरी जमुना जी के तीर निहारती बार, I'm gonna go get some more.
अरे न तो उतारी गयो वही काला निहारती हमरो हो रवि तर मदन जनावत जाला हमारो रवि मदन जनावत जाला अगुनवा में मदन जनावत जाला तो उतारी गयो वही काला निहारती भाला यरे जो मैं हाल वहाँ तक भेजो तो जीव बहुत जराला प्रीति की रीत गुप्त फल फलदायक गुप्त फलदायक पचीता किसी से पर मदन जनावत जाला अरे मदन जनावत जाला गुजरिया के मदन जनावत जाला बोलिए
क्या कह रहे थे भाई? जैसे चकन मग मद भर झूमत, जैसे चकन मग मद भर झूमत, आज जैसे चकन मग मद भर झूमत, बसिया बजाए मोरा हमारे सखी जल्दी चला, जल्दी चला हो जल्दी चला, जाए मुरा हमारे सखी जल्दी चला, हाँ बंसी की धुन सुन भी कल सारी चकिया, बंसी की धुन सुन भी कल सारी चकिया, बंसी अरे उल्टा करेली सिंगार हमारे सखी जल्दी चला, अरे उल्टा करेली सिंगार, अरे उल्टा करेली सिंगार हमारे सखी जल्दी चला, लखिया के गजरा पे उठवा लखिया के गजरा के उठवा लना, लाली लगावे लीला हमार सखी जल्दी चला, हमार सखी जल्दी चला, चला मन भक्ति बजाए मुरा हमार सखी जल्दी चला, ये क्या कह रहे थे बाबा? चौताल चौताल, इसमें एक लाइन आया था वो क्या, जिनके बारे में आप बता रहे थे कि आंख के काजल को ओट पे लगा रही हैं और ओट की लाली को माथे पे लगा रही हैं, वो किस वजह से था? भांग वांग खाई थी क्या? बंसी की धुन से विकल थी, मस्त, अच्छा मस्त हो गई थी, नशा भी कई तरीके का है ना बाबा? सब बस चल गया बाबा, गुड्डे ले घुमा रहे हो ना, बस ना हो एक वहां के दीपक जला तो वहां के साटो में ले डाल सकल तुलसी चौरा लगे बाद में
अब नहीं ना वैसे बोल के नहीं गा रहे चाचा आप लोग ऐसे जोगीरा सारा रारा बोल के जो गाते हैं मामा जोगीरा बीरू गई है। अच्छा वो लाश दिन भूल जाएगा इसको क्या ये जो कार्यक्रम हो रहा है उसको क्या बोलते हैं फगुआ फगुआ हो फगुआ और लाश फाग फाग और जो लास्ट दिन होता है उसको क्या कहते हैं वो भी फाग होता है और मतलब जोगीरा के साथ जोगीरा होता बोला जाता है उसको जोगीरा बोलते हैं जोगीरा और ये फाग हो रहा है। अच्छा अच्छा ये कितने दिन होली के कितने दिन पहले से शुरू हो जाता है तो अपनी मर्जी है 15 दिन पहले जितने लोग पहले से इकट्ठा हो जाए जितने दिन पहले हो जाए शुरू हो जाता है। अब तो यही है कि तिवारी जी हैं यही लेके चल रहे हैं तो कुछ बच जा रहा है नहीं तो कोई अभी ऐसा नहीं है कि जो अच्छा युवाओं में इस कार्यक्रम को लेके कितनी रुचि रहती है नहीं युवाओं में कुछ परसेंट रुचि है ज्यादा नहीं लेकिन कुछ युवाओं में रुचि है और तो लोग ध्यान नहीं देते हैं ये सब परंपरा बिछड़ती जा रही है छूटती जा रही है पहले ये सब था आप लोग के जमाने में तो एक हफ्ते पहले से ही आप लोग अरे हम लोग महीनों पहले से शुरू करते थे कोई काम ही नहीं था इसके अलावा गाँव पर रहना था यही फगुआ गाँव सबको इकट्ठा किए रहो। आज के डेट में यह है कि सभी लोग अपने अपने काम में भी व्यस्त हैं तो उस चक्कर में है कि दो चार दिन मतलब हो जाता है नहीं तो ये भी खत्म है। अरे अभी अंतिम में जोगीरा बोल दिया जाएगा बात नहीं है अभी अंतिम में तो जोगीरा बोल दिया जाएगा और क्या वही तो माहौल बनता है हो जाएगा अरे बल में कहाँ रहने बिताए अरे भोरा घर आए बल में कहाँ रहने बिताए अरे भोरा घर आए बल में कहाँ रहने बिताए भोरावा घर आए बल में कहाँ रहने बिताए अरे भोरावा बल में कहाँ रहने बिताए बल में कहाँ रहने बिताए I'm
न गुड़ फेरो अरे हरवा पहिराए गुड़ी दिन दिन गुड़ फेरो सैया बस हरियाणा सखी रे मोर सैया बस हरियाणा मोर I'm gonna
बहुत सुंदर गीत इन लोगों के साथ हमने सुना, और इन गीतों का अपना एक अर्थ है और जिसको समझने के लिए हमें अपनी समझ भी बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन लास्ट वाली गीत आसानी से समझ में आ रही थी कि एक महिला जो ये कह रही थी कि मेरी शादी जो है वो फागुन चढ़ते ही हो गई और मेरे पति हरियाणा चले गए, इस तरह की बात उन्होंने कही। बहुत बेहतरीन गीत, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने एक अच्छा माहौल बनाया यहाँ पर। और चित बंधु निहारी अच्छा अच्छा, तो आभार जताने की ज़रूरत है आपकी, आपका बहुत बहुत आभार कि हमारे आने पे आपने एक अच्छा कार्यक्रम रखा और दर्शकों को आप जो है आप जो दर्शकों के बीच ये पहुंचाए हैं। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी कि अभी तो आप हैं तो आप इस कार्यक्रम को चला रहे हैं, जब आप नहीं रहेंगे तो आपको क्या लगता है कि आपके जो पुत्र हैं या और वो लोग, परंपराएं अनवरत चलती रहती हैं। अच्छा। हमारी परंपराएं कभी कमज़ोर होंगी, फिर लोग आएंगे, ऊपर उठेगा, ये आदिकाल से चला आ रहा है, कुछ भी मतलब ख़त्म नहीं हुआ। एक दूसरे में विलय होगा, थोड़ा स्वरूप बदलेगा, लेकिन चीज़ें वही होती रहेंगी। हाँ, ये है कि पहले एक महीने होता था, 15 दिन हुआ 10 दिन हुआ, लेकिन होली के दिन तो होता ही है, हर जगह होता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये परंपरा अनवरत चलेगी। हम आए थे यहाँ पर अपना प्रधान जी अब खैर नहीं का कार्यक्रम शूट कर रहे थे, तभी जब हम इस घर में पहुँचे तो एक अच्छा माहौल यहाँ मिला, आपका आभार। और ये कार्यक्रम अब यहाँ चलता रहेगा, लेकिन हमें समय की पाबंदी है, घर पहुँचना है, अपनी जिम्मेदारियाँ भी निभानी है, इसलिए आपसे माफ़ी चाहते हैं कि इस कार्यक्रम का पूरा पार्ट आपको नहीं दिखा पा रहे हैं। लेकिन जितना आपने सुना उसने आपने आनंद की अनुभूति ज़रूर की होगी। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, होली मनाइए लेकिन सजगता के साथ मनाइए। और हाँ, एक निवेदन ज़रूर करूंगी कि होली में जो नशा करके आप लोग उपद्रव मचाते हैं उसे कंट्रोल करें, क्योंकि ये हमारी जो त्यौहार है उसको कहीं ना कहीं खूबसूरत करने में कमी कर देते हैं, जिसकी वजह से होता यूँ है कि हम अपनी सभ्यता और संस्कृति को आगे नहीं ले जा पाते हैं। तो त्यौहार मनाइए लेकिन सजगता के साथ मनाइए। वीडियो कैसा लगा है ये ज़रूर बताइएगा। आखिरी में चलते चलते फिर कह देती हूँ, होली के बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।